हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडिशन विद विकास। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के कितने नियम थे बच्चों? 3, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो बच्चों, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करता है, और जिस डायरेक्शन में जाता है या जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करता है। इसी लॉ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, आज लेक्चर में हम सीखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, और न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो बच्चों, लॉ ऑफ फोर्स समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, यानी संवेग क्या होता है। तो बच्चों, मान लीजिए कि एक बॉडी है। अगर बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ एक मैस भी होगा, एक मास भी होगा, और वो बॉडी जो है वो एक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी जिसका मास है और वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा ट्रेवल ही करते जाएगी, यानी वो एक मोमेंटम में आ जाएगी। यानी एक बॉडी जिसके पास मास है और वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा ट्रेवल ही करेगी, यानी इसका मतलब उसमें क्या आ चुका है? मोमेंटम आ चुका है। यानी क्या आ चुका है बच्चों? मोमेंटम। जरा ध्यान से देखिए, समझे बात को। तो मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से क्या कर रही है बच्चों? ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब एक बॉडी जिसके पास मास है और वेलोसिटी भी है तो इसका मतलब वो बॉडी किस में आ जाएगी बच्चों? मोमेंटम में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मोमेंटम में। अब यानी ये हमेशा क्या करती रहेगी? चलती रहेगी। बेटा ये कब होगा? कब जाकर के रुकेगी? यानी ये तब जाकर के रुकेगी जब आप इस पे बाहर से क्या लगाएंगे बच्चों? एक फोर्स लगाएंगे। तो हो सकता है कि इस फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी रुक भी जाए, या हो सकता है कि उसका मोमेंटम जो है वो बदल जाए। तो बच्चों, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है या लॉ ऑफ फोर्स है, वो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। यानी हिंदी में अगर सीधी सीधी बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं बाहर से फोर्स लगा करके। चलिए बच्चों, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और देखिए जरा ध्यान से आप लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो बेटा कैसा हो सकता है, यानी कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल होना चाहिए। यानी वो फोर्स कहां से लगाना चाहिए? बाहर से लगाना चाहिए, और बाहर से लगाए गए फोर्स को हम बच्चों अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं। तो बच्चों क्या समझे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, और फोर्स जो है वो एक्सटर्नल और अप्लाइड हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी जिसका मास है और वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा ट्रेवल ही करती रहेगी। या क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मोमेंटम जनरेट हो गया है, उसके अंदर एक मोमेंटम आ गया है। अब उस मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे कर सकते हैं? बाहर से फोर्स लगा करके। तो बच्चों इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बच्चों कि एक कार में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, और बस का मास भी होता है, पैसेंजर का भी मास है, और चूंकि जो कार है हमारी या बस है वो चल रही है, तो अगर वो चल रही है तो इसका मतलब मास और वेलोसिटी होने की वजह से उसके अंदर मोमेंटम आ चुका है। अब बच्चों मोमेंटम में है, वो हमेशा उसी मोमेंटम में रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाहर से उस पे फोर्स लगा दिया जाए, यानी अगर उस पे टक्कर मार दी जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। इसका एक दूसरा उदाहरण भी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए बच्चों आप अपने काम में अपने बहुत मन से और बहुत लगन से आप जुट चुके हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स बाहर से आकर के आपके मोमेंटम को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, आप लगन से पढ़ रहे हैं, और आपके दोस्त आए, आपके रिश्तेदार आए, आपके रिलेटिव्स आए, और वो आकर के आपको बाहर से फोर्स लगाया, यानी फोर्स लगा करके जैसा भी वो करते हैं, और आपका मोमेंटम क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। यानी बच्चों मोमेंटम को ब्रेक किया जा सकता है। कैसे? बाहर से फोर्स लगा करके। इसलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब बेटा टाइम के अकॉर्डिंग होता है और कुछ नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम को बदला जा सकता है। किसकी वजह से बदला जा सकता है? फोर्स की वजह से। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए बच्चों? बाहर से लगाना चाहिए। यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो देखिए जरा, मैथमेटिकली कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। यानी बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं दोबारा से यहां लिखना स्टार्ट करता हूं। वो कह रहा है बच्चों क्या कि ये मोमेंटम है पी,
और इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या लगाते हो बच्चों, डेल्टा। अब अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो उसमें कुछ टाइम भी तो लगेगा, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि द रेट मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज और उसका क्या रेट, वो बेटा किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये डेल्टा है और यहां पर डी है। बच्चों डेल्टा का मतलब क्या होगा कि हम केवल माइनस माइनस करेंगे या और कुछ नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा मोमेंटम वेरिएबल है, एक इक्वेशन फॉर्म में दिया है, तब यहां पर हम इस डेल्टा की जगह डी इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डी का मतलब हो रहा है यहां पर डिफरेंशियल। तो बच्चों ये इनकी मैथमेटिकली मैथमेटिकल फॉर्म है। चलिए देखिए बच्चों, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकता हूं। तो बेटा यहां ध्यान से देखें, वी हैव, बेटा जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। तब अब यहां पर मैं इसके मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी भी पुट कर सकता हूं, तो डी अपॉन डीटी, और बच्चों या पी की जगह मैं मास इनटू वेलोसिटी क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, डेट बिकम्स एफ। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं किसका, मोमेंटम का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो यहां पर क्या करना है हमको, जिसमें टाइम का फैक्टर होता है उसको डिफरेंशियल के अंदर रखते हैं, बाकी को कांस्टेंट समझ करके बाहर ले आते हैं। अब वैसे भी ध्यान से देखें, यहां पर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं किसका, मास और वेलोसिटी का। तो बच्चों मास कैसी क्वांटिटी है बताइए, मास क्वांटिटी है कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये जो मास है वो कांस्टेंट टर्म है और वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल टर्म है, तो इसलिए जब हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कराते हैं तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, इसलिए m को हमने बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा बच्चों, v इज इक्वल टू f। अब बच्चों देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी a इज इक्वल टू f। तो बच्चों ये हो गया आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज यहां नोट करके लिख लीजिए, एक्सेलेरेशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों क्या समझे कि किसी भी बॉडी जिसका एक मास है और वो एक वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो वो ट्रेवल ही करती जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर एक मोमेंटम जनरेट हो चुका है, लेकिन उस मोमेंटम को हम ब्रेक कर सकते हैं बाहर से फोर्स लगा करके। इसके उदाहरण मैंने आपको बस वाला दिया या कार वाला दिया और आपके पढ़ाई वाला दिया, जिसमें आपके रिलेटिव्स आपकी पढ़ाई को बाहर से, आपके दोस्त आपकी पढ़ाई को बाहर से फोर्स लगा करके, तरह तरह की बातें करके मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीखते हैं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए एक्शन का मतलब, हमने कुछ एक्शन किया और वापस में हमें उसके बदले में एक रिएक्शन मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या कहता है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उतनी ही मात्रा में वो बॉडी भी हम पे फोर्स लगाती है, यानी उतनी ही मात्रा में, बस फर्क क्या है कि हम जिस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे वो हम एक डायरेक्शन में लगाएंगे और दूसरी बॉडी जो है वो इस दूसरी डायरेक्शन में लगाएगी। इसका मतलब टू एवरी एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी बच्चों किसी बॉडी पे आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स वो बॉडी आपके ऊपर लगाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लेकिन खास बात क्या है बच्चों कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यानी थर्ड लॉ के लिए हमको दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और खास बात कि ये जो फोर्स लगते हैं एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे, दूसरी बॉडी का पहली बॉडी पर, वो बच्चों थोड़े लॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए होने चाहिए, थोड़े लंबे समय के लिए होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और बहुत कम समय के लिए होता है, तो वो इंपल्सिव फोर्स होता है बच्चों। क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स। इसलिए एक्शन रिएक्शन को समझने के लिए बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगना चाहिए वो थोड़ा लॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए, यानी थोड़े ज्यादा समय के लिए लगना चाहिए, क्योंकि कम समय वाला फोर्स फोर्स ना होकर के इंपल्स होता है। तो बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए जरा ध्यान से। टू एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब एक तरह से फोर्स कह सकते हैं बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट
रिएक्शन। यानी बच्चों अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन खास बात एक अलग डायरेक्शन में। यानी अगर इसको मैं मैथमेटिकल देखूं बेटा, तो देखें जरा ध्यान से, मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है कि F12 जो है वो F21 के इक्वल है, लेकिन यहां पर ये क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। बच्चों क्या आएगा, माइनस। अब देखो बेटा, माइनस का मतलब हमेशा घटाना वटाना तो नहीं होता है, सबट्रैक करना नहीं होता, माइनस का मतलब डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए ध्यान से, F12 इज इक्वल टू F21, यानी पहली बॉडी पर जो दूसरी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है और दूसरी बॉडी पर जो पहली बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन यहां पर माइनस होने की वजह से यहां पर बच्चों इसको हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो डायरेक्शन है उनकी वो ओपोजिट है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर ये जो आपका F12 है वो क्या है बच्चों, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड बॉडी, यानी पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी के द्वारा लगने वाला फोर्स, और F21 क्या हो जाएगा बच्चों, F21 हो जाएगा फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक चीज मैं आपको यहां पे नोट लिखवा देता हूं, फोर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी तीसरे नियम के लिए या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के लिए टू बॉडीज आर रिक्वायर्ड। यानी बच्चों कितनी बॉडी होनी चाहिए, यानी बच्चों कितनी बॉडी होनी चाहिए, दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो बच्चों हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करेगा। दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई बॉडी जिसके पास मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उस बॉडी की बॉडी के अंदर एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है, जिस मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से फोर्स लगा करके। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों कि किसी भी बॉडी पे जब हम एक्शन करते हैं तो उतना ही एक्शन वो हम पे भी करती है, इसलिए इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। लेकिन बच्चों खास बात क्या है कि न्यूटन्स के जो लॉ है या कोई भी जो नियम होता है बच्चों, वो हमेशा या हर जगह वैलिड तो नहीं होता, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। तो बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिमिटेशन पढ़ाता हूं। तो बच्चों न्यूटन के नियम की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। देखो जैसे बच्चों पहला जो नियम था वो क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करेगा। जो हमने उस दिन एक्टिविटी परफॉर्म की थी, अगर आप उसमें नोटिस करें तो आपको पता चल रहा था कि हमने गिलास को, गिलास के नीचे जो कपड़ा था, जो पेपर था, उसको खींचा था, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो हमारी जो नीचे मेज थी वो बिल्कुल स्टेबल थी। यानी अगर बच्चों मान लीजिए कि वो मेज भी चल रही होती और फिर हमने अपना कपड़ा भी खींचा होता जिसके ऊपर गिलास रखा था, तो वो जो ऑब्जेक्ट यानी वो जो गिलास रेस्ट में था, क्या वो रेस्ट में रहता, नहीं रहता बच्चों। इसीलिए न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया की एक लिमिट है क्या कि अगर हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, दूसरी बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए। यानी बच्चों न्यूटन के पहले जो नियम होता है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें बच्चों, फर्स्ट लॉ की जो लिमिट है वो क्या कहती है, देखो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है जब हम इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं। यानी बच्चों एक्सेलरेशन का मतलब कि बॉडी पे एक फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में जो अंदर एक एक्सपीरियंस होगा उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ये कब हो सकता है, जब हम बाहर से फोर्स ना लगाएं। यानी बच्चों क्या समझे कि ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो वैलिड कहां पर है, केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वैलिड नहीं है। अब बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा देंगे, लेकिन एक खास खास मोटी मोटी बात मैं बता देता हूं बच्चों, अगर दो
ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट स्टेबल है और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं तो हम उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। इसलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लागू होता है। क्यों बच्चों? देखिए, जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें हमने मेज के ऊपर एक पेपर रखा था और उसके ऊपर गिलास रखा था, तो हमने पेपर के ऊपर फोर्स लगाया था। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि अगर वो जो मेज थी, मेज भी चलने लगे, तो वो गिलास जो जिस पे हमने फोर्स लगाया था वो रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा बच्चों। तो इसके लिए यही हम समझाना चाह रहे हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे लागू होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे लागू नहीं होता। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है जहां न्यूटन के सारे नियम वैलिड होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वो है जहां पर न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। तो बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, जरा ध्यान से देखें। दिस लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे ये नियम लागू होंगे, नॉट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पर न्यूटन का पहला नियम लागू नहीं होता, इनर्शियल फ्रेम पर ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनर्शियल फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, मोशन दूसरे की होती है, और नॉन इनर्शियल में दोनों ऑब्जेक्ट की मोशन एक साथ हो रही होती है। इसलिए लॉ फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया को केवल हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ही समझा सकते हैं, नॉन इनर्शियल में नहीं समझा सकते। अब बच्चों देखो सेकेंड लॉ की भी कुछ लिमिट होती होंगी बच्चों। सेकेंड लॉ क्या कहना चाह रहा है? सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? कि ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? बॉडी के मास और बॉडी में जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस हुआ है, और ये जो एक्सीलेशन है इसका मतलब क्या है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जरा बात को समझना आप लोग ध्यान से। मान लीजिए बच्चों यहां पर क्या है, फोर्स इज इक्वल टू द मास एंड एक्सेलरेशन, यानी किसी भी बॉडी का जो फोर्स है वो उसके मास और उसके बॉडी में जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है उसके इक्वल होता है। खास बात क्या है बच्चों कि यहां पर ये जो फोर्स है वो एम ए के इक्वल है, यानी किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो मास और एक्सेलरेशन के, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है उसके इक्वल होता है। खास बात यहां पर ये जो मास होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। अब यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कब वैलिड है? जब किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट हो। और बच्चों बॉडी का मास एज यूजुअल कांस्टेंट होता है, लेकिन किसी भी बॉडी का मास कभी-कभी क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तब उस कंडीशन में बच्चों किसी भी बॉडी का जो मास है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल हो जाएगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट ना होकर के क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ फोर्स, वो हमेशा तभी वैलिड है जब किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से हमेशा क्या रहे बच्चों? कम रहे। ठीक है बच्चों, चलो मैं लिखता हूं। तो यहां लिखता हूं, दिस लॉ इज वैलिड ओनली when the velocity of object is less than the speed of light। यानी बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी से या स्पीड से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और बच्चों
ये कब वैलिड हो सकता है? दिस ओनली हैपन, यानी ये किसी भी बॉडी का मास कब कांस्टेंट हो सकता है? ये तभी कांस्टेंट हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या हो बच्चों, कम हो, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। ये कब हो सकता है बच्चों? ये तब हो सकता है, दिस हैपन ओनली व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। यानी बच्चों v की वैल्यू c से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आई होप बच्चों आपको शायद दिख रहा हो। यानी बच्चों ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो कब वैलिड होता है? वो तभी वैलिड होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यूजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जो उसकी वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब उस बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरिएबल हो जाता है। यानी उसका मास क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाता है। लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो स्ट्रिक्टली कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस लाइट की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए बच्चों? हमेशा कम रहनी चाहिए। चलिए बच्चों फिर लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ पढ़ता हूं। तो बच्चों लिमिटेशंस पढ़ रहे थे न्यूटन के नियम की, तो बच्चों अब हम तीसरे लॉ की भी लिमिटेशन पढ़ते हैं। जैसा कि थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो वही उतना ही फोर्स वो भी हमारे ऊपर लगाता है। लेकिन बच्चों वो फोर्स जो है हमने जिस ऑब्जेक्ट पे लगाया है वो थोड़े ज्यादा समय के लिए होना चाहिए, क्योंकि कम समय के लिए लगाया गया फोर्स बच्चों इंपल्स बनता है। यानी ये जो थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है, और किसी बॉडी पे जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी भी हम पे लगाती है। इसके लिए एक नेसेसरी, ये कह सकते हैं कि एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। क्या होती है? कि ये जो लगाया गया फोर्स है एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर, दूसरी बॉडी का पहली बॉडी पर, वो थोड़े लॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए होना चाहिए, थोड़े ज्यादा समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एकदम से बहुत नैनो सेकंड का केस हो जाए। नैनो सेकंड में जो फोर्स लगेगा बच्चों, या इतना मिली सेकंड में जो फोर्स लगेगा, वो बच्चों कैसा होता है आपका? वो होता है इंपल्स। इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लॉ इज वैलिड व्हेन दिस लॉ इज वैलिड व्हेन द इंट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज is for long time। यानी बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम कब वैलिड है? जब दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो थोड़े ज्यादा समय के लिए लगे। यानी दो बॉडीज एक्शन रिएक्शन के लिए क्या होता है कि जब भी हम किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी हमारे ऊपर लगाती है, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। लेकिन वो जो फोर्स की जो रिएक्शन टाइम है, इंट्रैक्शन टाइम है, वो बच्चों थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स अगर कम इंट्रैक्शन के लिए है, कम टाइम के लिए है, तो इसका मतलब वो फोर्स नहीं है, वो इंपल्स है। तो बच्चों नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सीखा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उनकी लिमिटेशंस के, उनकी कुछ सीमाएं हैं न्यूटन के नियम की, क्योंकि हर नियम हर जगह लागू नहीं होता। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज प्राप्त हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।